उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अपना दल के विधायक की सुरक्षा कर्मियों और समर्थकों ने प्रयागराज प्रतापगढ़ सीमा पर स्थित टोल प्लाजा कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर मारपीट की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि पुलिस घटना की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए हैं और मामले की जांच की जा रही है और हम सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे हैं। खबरों के मुताबिक अपना दल के विधायक आर के वर्मा की सुरक्षा कर्मियों और समर्थकों से शनिवार की शाम को प्रतापगढ़ और प्रयागराज सीमा पर राम फलारी टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने पास दिखाने के लिए कहा तो इस बात पर विधायक के समर्थक भड़क गए। टोल प्लाजा के कर्मचारियों का कहना है कि विधायक के वाहन पर लगा हुआ पास काफी पुराना था, लिहाजा उन्होंने नए पास के बारे में पूछा तो विधायक के सुरक्षा कर्मी और समर्थक नाराज हो गए और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। करीब आधे घंटे तक टोल प्लाजा पर ये लोग हंगामा करते रहे। इसके बाद कर्मचारियों ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। वही विधायक ने इस मामले में टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है और जल्द ही सच सामने आ जाएगा। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।